स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हाउस प्लान पे। आज हम देखेंगे 20x30 का घर का नक्शा जिसकी टोटल एरिया है 600 स्क्वायर फीट। तो 20 फीट जो है ऐसे है और 30 फुट जो है लंबाई में ऐसे है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले ये वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है और ये हो जाएगा आपका मेन गेट। मेन गेट से एंट्री करते हैं तो आपका पड़ता है रास्ते में स्टेयर हॉल पड़ता है। स्टेयर हॉल में जो है ये क्लॉकवाइज जो है स्टेयर बनाया गया है वास्तु के अनुसार। और ये हो जाएगा आपका गेस्ट रूम हो जाएगा या बेडरूम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डाइनिंग हॉल या लॉबी हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा बेडरूम। ये हो जाएगा आपका कॉमन टॉयलेट एंड बाथ हो जाएगा। ये हो जाएगा एक और बेडरूम, बड़े वाला बेडरूम है ये। ये हो जाएगा आपका किचन। तो आइए देखते हैं इसका साइज़ क्या है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका स्टेयर हॉल के जो है 8 फीट बाय 9 फीट 4 इंची, यानी कि 9 फीट 4 इंची जो है लंबाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 9 फीट 4 इंची है और 8 फीट जो है आपका ऐसे रहेगा। 8 फीट भी दर्शा देते हैं, 8 फीट ऐसे रहेगा, 8 फीट हो जाएगा। इसका भी साइज सेम ही रहेगा, ये भी रहेगा आपका 8 फीट बाय 9 फीट 4 इंची, यानी 9 फीट 4 इंची ऐसे और 8 फीट जो है आपका ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये भी सेम ही रहेगा 8 फीट बाय 9 फीट 4 इंची। तो 9 फीट 4 इंची जो है मैं इसमें दर्शा देता हूँ, 9 फीट 4 इंची हो जाएगा और 8 फीट जो है आपका ऐसे। अब आते हैं अपने डाइनिंग हॉल में। तो डाइनिंग हॉल का साइज जो है 9 फीट 4 इंची बाई 12 फीट 5 इंच, यानी 12 फीट 5 इंच ऐसे और 9 फीट 4 इंची जो है आपका ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं कॉमन टॉयलेट एंड बाथ का साइज हो जाएगा 4 फीट बाई 8 फीट का कॉमन टॉयलेट एंड बाथ का साइज हो जाएगा। और इस वाले बड़े वाले बेडरूम का साइज हो जाएगा 8 फीट बाई 12 फीट 9 इंच, यानी 12 फीट 9 इंच जो है आपका ऐसे हो जाएगा और 8 फीट ऐसे हो जाएगा। और किचन का जो साइज है ये हो जाएगा आपका 6 फीट जो है चौड़ा रहेगा और 8 फीट जो है गहरा रहेगा, यानी 8 फीट बाई 6 फीट है आपका किचन का साइज। ये जो है पूर्व दिशा है, ईस्ट है। ईस्ट फेसिंग है, मतलब किचन जो है ये अग्निकोण में बनाया गया है। अग्निकोण वास्तु के अनुसार जो है ये सही रहेगा किचन के लिए। तो ये हो गया आपका सारे रूम का साइज। आप देखते हैं डोर का साइज। तो डोर का साइज जो है ये रहेगा आपका 4 फीट रहेगा, मेन डोर रहेगा। और ये सारे अंदर वाले जितने भी हैं 3 फीट 6 इंची के रहेंगे। 3 फीट 6 इंची के जो है अंदर वाला डोर रहेगा 3 फीट 6 इंची और हाइट रहेगा 7 फीट, 3 फीट 6 इंची का रहेगा ये भी। ये आप ओपन रख सकते हैं या 3 फीट रख सकते हैं इसको भी। ये आपका 2 फीट 6 इंची का रहेगा टॉयलेट एंड बाथ का डोर का साइज। और ये ग्रीन कलर वाले जितने भी हैं सारे विंडो हैं। तो आपको जिधर जगह मिल रहा है, मतलब अगर इधर घर बना है बगल में तो आप विंडो को इधर मत लगाइए, अगर इधर रोड है तो इधर विंडो लगाइए, या पीछे आप ज़मीन छोड़ रहे हैं तो पीछे विंडो लगा सकते हैं, आगे तो विंडो रहेगा ही। तो ये रहा आज का प्लान। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद।